भर ट्रेनिंग की है, लेकिन अभी ऐसी कभी कुछ चीज़ की नहीं है, और देखना चाहता हूँ कि उस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा है या नहीं। और अपने आप अपने बारे में जानने के लिए, और इतनी ऐसी जगह जहाँ आप किसी से भी टिकट नहीं खरीद सकते और कोई भी नहीं जा सकता, या चढ़ पाएंगे और वापस आ पाएंगे, और ज़िंदगी का वहाँ पे क्या एहसास होगा, ये कहीं और नहीं मिल सकता। तो जब जुल्फी ने आके बोला था कि आपको जाना है, तो मैंने तुरंत बोल दिया हाँ, बाकी कुछ सोचा ही नहीं, अब देखेंगे उसका क्या होगा। रीजंस ऑफ डूइंग दिस तो अनेक हैं, लेकिन प्रेपरेशन जैसे कि आपका सवाल है, आई डोंट थिंक यू कैन एवर बी प्रिपेयर्ड इनफ टू बी इन सियाचिन, बट वी आर इन वेरी गुड हैंड्स। और आई थिंक हमारी प्रेपरेशन यही है कि हम जो दिलशाद मैम हैं उनकी सारी बातें सुने, जो हमें लेकर जा रहे हैं, वी अंडरस्टैंड कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड वी फॉलो देम, बिकॉज इफ वी आर ऑलरेडी हियर, इफ वी आर चोजन फिजिकली इंक्लूडिंग श्लोक, वी आर जस्ट जोकिंग, वी आर ऑल फिजिकली फिट, बट वहाँ पर लाइक इट वाज सेड अर्लियर, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी एबल टू लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम। सो दैट्स आवर ट्रेनिंग, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, वी मीट, वी बॉन्ड, एंड बिकॉज एट दैट प्लेस आवर फैमिलीज इज ईच अदर, आवर फ्रेंड्स इज ईच अदर, एंड वील हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू नो अबाउट ईच अदर, वाई ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज डूइंग इट। सो दैट्स द प्रिपरेशन टू बी मेंटली स्ट्रांग। नहीं, एक्चुअली जो सब कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, और जैसे कि दिलशाद जो हमारी लीडर हैं, उन्होंने हमसे मिलते ही कहा कि आपको एक ओलंपिक लेवल के एथलीट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी हीरोगिरी दिखाएगा उसके लिए एक चॉपर आए, नॉट टू सेलिब्रेट देम, क्योंकि आप एक स्ट्रेचर पे लेटे होंगे और आपको उठा के लेके जाएंगे। सी विद समथिंग लाइक दिस क्या होता है कि यू आर गोइंग इनटू नेचर, नेचर को जितना आप रिस्पेक्ट करोगे, यू नो, वो एल्टीट्यूड को जितना आप रिस्पेक्ट करोगे, यू नो, उधर एक्लिमेटाइज होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, यू नो, एज इट विल बी फिजिकली जब आप थक जाते हैं तो इमोशनली और मेंटली जो सहारा आपको मिलता है, आई थिंक दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पर कर रहे हैं, आई थिंक इज सो ब्यूटिफुल एंड सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एक दूसरे को यूनाइटेड रख रहे हैं वहाँ पर, एंड फॉर अस टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस टू गो देयर, आई थिंक थैंक्स टू हीरोज नाउ एंड कर्नल बुल कुमार फॉर यू नो मेकिंग श्योर दैट वी कुड गेट देयर। पहली बार आई थिंक सिविलियंस आर बीइंग अलाउड टू गो ऑल द वे टिल द प्लेस, एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो मेरे नाना जी आर्मी में थे, उन्होंने वो सियाचिन चढ़े थे, दे हैड पुट द फर्स्ट गन देयर, यू नो, और सो इट्स फॉर ऑल दोज हीरोज इन आवर लाइव्स दैट वी वांट टू सैल्यूट हु हैव देयर ओन लिटिल बैटल्स। द एल्टीट्यूड विल गेट यू इवन इफ यू आर एन ओलंपिक एथलीट, एंड देयरफॉर द स्लोअर यू आर द फास्टर यू विल रीच। द लास्ट पर्सन इन इज द वन हु एक्चुअली गेट्स द मेडल इन ट्रेक्स लाइक दिस। Early morning walks, because the sun can get very, very, very hot and very burning. So we would rather not trek in that kind of heat. So the ideal thing would be to leave by 6, so everybody has to wake up by 5.